रैंडी ऑर्टन की हुई AEW के मालिक से लड़ाई, आर्ट्रूथ बने फिर से 24/7 चैंपियन, रॉ के बाद दिखाई दिए फिंड और रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस ने मनाई द शील्ड की सालगिरह। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स। WHG तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम रैंडी ऑर्टन, रोमन रेंस और द फिंड जैसे सुपरस्टार्स की न्यूज कवर करने जा रहे हैं, लेकिन उन सबसे पहले दोस्तों बात कर ली जाए एक अमेजिंग ऐप की। तो गाइस, ये है येलो ऐप, जिसकी सहायता से आपको घर बैठे बैठे इंस्टेंट लोन मिल जाता है। करना क्या है कि आपको डाउनलोड करना है और उसके बाद आपको अपनी पसंद की डील के ऊपर जाना है, जहां दोस्तों आपको उचित मूल्यों पर एक बेहतर डील मिल रही हो, बेहतर इंटरेस्ट मिल रहा हो। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं, आपको मिलते हैं कुछ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिए, डॉक्यूमेंट्स देखिए कि कौन कौन से लगने वाले हैं और घर बैठे बैठे लोन पाइए। तो अभी के अभी डाउनलोड कीजिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो गाइस, आए दिन WWE के अंदर हमें बहुत सी फाइट्स देखने को मिलती है, लेकिन कई फाइट्स ऐसी हो जाती है जिससे दोस्तों रेसलर का फ्यूचर हमें पता चल जाता है। कुछ ऐसा ही दोस्तों हाल ही में हुआ है, रैंडी ऑर्टन की बहसबाजी हो गई टोनी खान के साथ और इससे दोस्तों कंफर्म्ड होता है कि अब वो कभी भी AEW का नाम नहीं लेने वाले। तो हुआ क्या दोस्तों कि सबसे पहले टोनी खान ने लड़ाई स्टार्ट की। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सीएम पंक के ट्वीट को रीट्वीट किया। सीएम पंक का ट्वीट क्या था, सीएम पंक ने दोस्तों बीते कल एक ऐसा ट्वीट किया था जिसके अंदर उनका कहना यह था कि बैक स्टेज शो के अंदर आ रहे हैं, ऐसे में वो सबकी पोले खोलेंगे एंड नो वन इज सेफ। इस पर दोस्तों टोनी खान को ना जाने कैसी मिर्ची लगी, ना जाने उनके दिमाग में क्या सूझी, उन्होंने WWE वालों को उंगली कर दी। उन्होंने क्या चीज कही, नो वन इज सेफ, इससे लगता है कि मानो कोई बात कर रहा हो सऊदी वाले प्लेन की जिसमें रेसलर्स भरे पड़े थे। तो आप जानते हैं कि सऊदी वाले इशू में क्या हुआ था, सऊदी वाले इशू में दोस्तों एक तरीके से रेसलर्स फंस गए थे सऊदी में, क्योंकि विंस मिकमैन के पैसे नहीं मिले थे। तो एक तरीके से उस चीज़ की खिल्ली उड़ाई टोनी खान ने, जिस पर दोस्तों रैंडी ऑर्टन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया। रैंडी ऑर्टन ने क्या कहा, रैंडी ऑर्टन ने कहा कि मुझे वो कहावत याद आ रही है कि जिनके घर शीशों के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं मारा करते, जिसके नीचे दोस्तों उन्होंने एक आर्टिकल टैग किया हुआ था। वो आर्टिकल कब का था, वो आर्टिकल दोस्तों था तो एक साल पुराना, लेकिन वो टोनी खान के बाप का था और उसके अंदर दोस्तों टोनी खान के पिता के ऊपर आरोप लगे हुए थे भ्रष्टाचार के। तो यहाँ दोस्तों टोनी खान ने जब ये चीज़ देखी तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया। उन्होंने बोला कि तुम्हें मेरी फैमिली को नहीं लाना चाहिए था इस सब के मध्य, और रही बात इस आर्टिकल की तो ये एक साल पुराना है। इसके बाद दोस्तों उन्होंने रैंडी ऑर्टन को नस्ल भेदी बताया, एक तरीके से उन्होंने उनका भी एक राज सामने लाया, जहां दोस्तों रैंडी ऑर्टन ने गेम खेलते हुए निगा वर्ड का यूज़ कर दिया था। निगा मतलब दोस्तों निग्रो यानी कि हबशी। तो कुल मिलाकर दोस्तों काफ़ी हीटेड कॉन्वर्सेशन हुई दोनों के मध्य और अब दोस्तों रैंडी ऑर्टन आज के बाद कभी भी AEW में जाने की बात नहीं करेंगे, क्योंकि AEW में अगर वो जाते हैं तो आप समझ गए होंगे उनकी कैसी बुकिंग होगी। लेकिन दोस्तों अब हम चलते हैं आज की अपनी दूसरी बड़ी खबर के ऊपर। तो गाइस, बहसबाजी से दूर गए तो अब बात कर लेते हैं आज की रॉ की। आज की रॉ काफ़ी बेहतरीन रही, जहां दोस्तों रॉ का अंत हमने देखा है एक कियास के जरिए, जहां बहुत से सुपरस्टार्स आ चुके थे, NXT के सुपरस्टार्स आ चुके थे, स्मैकडाउन के सुपरस्टार्स आ चुके थे, सब आपस में लड़ रहे थे, एक तगड़ी ब्रॉल हुई। लेकिन उसके बाद हमें एक और बेहतरीन चीज़ देखने को मिल गई और वो थी ड्र्यू मैकइंटायर वर्सेस द फिंड। तो ये मैच दोस्तों हमें आफ्टर रॉ देखने को मिला, यानी कि ये डार्क मैच था। इस मैच के अंदर दोस्तों हमें क्या चीज़ देखने को मिली कि मैच हुआ एक केज मैच और लाइट्स हो गई पहले के जैसे रेड, यानी कि जैसे वो लड़ते हैं। तो गाइस, फिंड के इस मैच के अंदर हमें क्या चीज़ देखने को मिलती है कि जो फिंड है वो सिस्टर एबिगेल लगा देते हैं ड्र्यू मैकइंटायर को और उसके बाद केज से जाने लगते हैं, लेकिन वहां दोस्तों फिर से मुड़ते हैं और फिर से एक और सिस्टर एबिगेल लगाते हैं। उसके बाद ऑडियंस फिर से चिल्लाने लगती है वन मोर टाइम और फिंड उनकी बात को सुनते हैं और तीन सिस्टर एबिगेल लगाने के बाद वो लीव करते हैं केज को और इस तरीके से अपना टाइटल रिटेन करते हैं। तो यहाँ दोस्तों उन्होंने ड्र्यू मैकइंटायर को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया और जो रिएक्शन था वो फिंड के लिए काफ़ी बढ़िया था। तो कहना पड़ेगा कि फिंड मेहनती भी है, क्योंकि दोनों ब्रांड्स में दिख रहे हैं और चाहे आफ्टर रॉ ही सही मैचेस दे रहे हैं। बट गाइस, अब हम चलते हैं आज की अपनी तीसरी बड़ी खबर के ऊपर। तो गाइस, तीसरी बड़ी खबर जो हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है आर्ट्रूथ से, जो कि बन चुके हैं ब्रांड न्यू 24/7 चैंपियन। अब ये कब हुआ, ये भी दोस्तों रॉ के खत्म होने के बाद हुआ, जहां हमें एक सेगमेंट देखने को मिला है। सेगमेंट के अंदर क्या चीज़ देखने को मिलती है कि जो सिंह ब्रदर्स है, यानी कि जो 24/7 चैंपियन है उनमें से एक, वो गाइस बैक स्टेज जा रहे हैं एरिक रोवन से रॉ में पिटने के बाद, जहां वो दर्द से कराहते हुए बैक स्टेज जाते हैं। डॉक्टर डॉक्टर चिल्लाते हैं, डॉक्टर उन्हें दो मिलते हैं
जो कि एक थे दोस्तों रेफरी और दूसरे थे आर्थ्रुथ। लेकिन उन दोनों को पता लग पता कि उससे पहले ही दोस्तों रेफरी ने अपने कपड़े उतार दिए। रेफरी को देखते ही दोस्तों दोनों के होश उड़ गए। जब आर्थ्रुथ ने अपने कपड़े उतारे तो दोनों नो नो कहने लगे, लेकिन आर्थ्रुथ ने एक ना सुनी, सबसे पहले पिटाई कर दी सुनील सिंह की और उसके बाद समीर सिंह का सर मार दिया दीवार में। उसके बाद स्ट्रेचर पर पड़े समीर सिंह की पिन करते हुए आर्थ्रुथ काफ़ी खुश नजर आए। रेफरी ने काफ़ी तेज 1-2-3 गिन लिया और गाइज हमें बनते हुए नजर आए आर्थ्रुथ एज ए न्यू 24/7 चैंपियन। तो आर्थ्रुथ दोस्तों फिर से 24/7 चैंपियन बन चुके हैं, ना जाने कितनी बार बन चुके हैं, जिसको पता है वो कमेंट करके मुझे बताइएगा। लेकिन अब हम चलते हैं आज के अपनी फाइनल न्यूज के ऊपर। तो गाइज वो जुड़ी हुई है बिग डॉग रोमन रेंस, सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस और डीन एम्ब्रोस यानी कि द शील्ड से। तो गाइज आज द शील्ड की सालगिरह है। शील्ड को बने हुए दोस्तों आज 7 साल हो चुके हैं। आज से लगभग 7 साल पहले 3 अज्ञात लड़के दिखाई दिए थे। पीपीवी था सर्वाइवर सीरीज और हमला हुआ रायबैक के ऊपर। उस वक्त दोस्तों हमें उन 3 लड़कों से बेहद हेट थी, लेकिन आज हम जानते हैं कि वो कौन है और सभी उनसे काफ़ी ज़्यादा प्यार भी करते हैं। वो थे दोस्तों सेथ रोमन एंड डीन एम्ब्रोस। और गाइस तीनों की बात लगी है तो आज दोस्तों इस चीज़ की याद भी तीनों में से 2 ने दिलाई और वो थे दोस्तों रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस। तो आज दोस्तों इस मौके पर यानी कि सालगिरह के मौके पर रोमन रेंस ने एक इमोशनल ट्वीट किया। वो क्या लिखे, वो ये चीज़ लिखे कि आज से लगभग 7 साल पहले 3 हंगरी डूड्स ने हमला बोला था WWE के अंदर और वो चाहते थे कि दुनिया मुट्ठी में हो और आज जो है दुनिया मुट्ठी में है। वो मेन इवेंट कर रहे हैं वर्ल्ड में और आज वो काफ़ी चैंपियनशिप्स भी जीते हुए हैं। आज उन्होंने खूब पैसा कमाया है, अपनी फैमिलीज को पलाया बढ़ाया है, लेकिन आज सब अलग अलग है, फिर भी आज सब भाई है। तो गाइस काफ़ी इमोशनल ट्वीट था, हैशटैग द शील्ड उन्होंने ट्रेंड भी करवाया। जिसके बाद दोस्तों सेथ रॉलिंस का रिप्लाई आता है। सेथ रॉलिंस ने दोस्तों फिस्ट बम्प वाला जो रहता है उनका वो वाला इमोजी सेंड किया, लेकिन दोस्तों एक व्यक्ति का रिप्लाई नहीं आया जो कि डीन एम्ब्रोस थे। तो काफ़ी बुरा लगा, लेकिन दोस्तों आज द शील्ड की सालगिरह है। तीनों का कहना ये है कि आज भी वो एक दूसरे के भाई है, तो होप करते हैं दोस्तों इन फ्यूचर फिर से इनकी गैंग एक साथ हो जाए। वेल ज़्यादा नहीं बोलूँगा, इमोशनल हो जाऊँगा, तो बस यही कहना चाहूँगा कि होप करते हैं कि इन फ्यूचर ये तीनों एक साथ हो जाए। और गाइज अगर आप भी पसंद करते हैं द शील्ड को तो टाइप कीजिए मिस यू शील्ड। आज की वीडियो इतनी थी, आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शुभ बख़ैर।